भैया जी जय जय भगवान की। आपका शुभ नाम क्या है? राम सर। राम सर, आप लगभग कितने वर्ष से यहाँ पर हैं? हो गए 10 वर्ष। थोड़ा जोर बोलना, 10 वर्ष। ये जो समाधि है बाबा की जी, और ये कपालेश्वर महादेव हैं जी जी, इनके बारे में कुछ आप बताएंगे हमें? अब ऐसे तो इसे जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है ये हमें मतलब बहुत पुरानी है। ये तो यहीं से शंकर जी भी निकले थे, लाट ऐसी ऐसी बनवा दी इनके पुरखों लोगों ने मिश्रा जी। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो समाधि बताई जाती है, यहाँ पहले घरों जंगल था, यहाँ गोजी वगैरह थी, उसी में ये सब निकले, उसी में जो है ये लाट भी थी और ये शंकर जी थे। अच्छा, उसी में इसे मंदिर बनवा सपना दिया था। अच्छा, इनका मंदिर है ना, तो सपन में प्रभु सपना दिया था तुम्हारा मंदिर बनवाओ, तो पहले सोच रहे थे कि अपना घर ले जाए, तो वहाँ फिर सपना दिया कि नहीं वहीं बनवाओ घर ले आओ, इसी मंदिर बनवा दिया था। मतलब यहाँ पर ये बाबा नीमनाथ महाराज की समाधि, नीमनाथ महाराज जी शंकर जी। अच्छा, और उनके ये मतलब नीमनाथ महाराज जी के समाधि के सर की तरफ से शिवलिंग निकला, इसलिए इनको कपालेश्वर महादेव कहा। और यहाँ पर बाबा नागनाथ जी की समाधि है, नागनाथ बाबा उधर बनी है जी, उनके बारे में क्या? उनके बारे में जो हमें जानकारी है, पहले सांप पाले थे। अच्छा अच्छा, जो सांप ने उनको डस लिया तो वहीं समाधि बनवा दी। मतलब वो सांप के साथ कुछ दिन लेटा करते थे, यात्रा करते थे, तो जिसके कारण सांप भी उनकी मृत्यु का कारण बना जी जी। बताते हैं बहुत प्रसिद्ध और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है। बहुत पूर्ण होती मनोकामनाएं, कोई भी माना तो मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, आपसे जान के बहुत अच्छा लगा। जय भगवान। क्या आखिरी सोमवार को जी, उसके पहले जो बैठ जाते 7 दिन भागवत चलती है। अच्छा अच्छा, और आखिरी सोमवार को मेला लगता है, सावन सावन के आखिरी सोमवार को सोमवार को मेला लगता है, विशाल विशाल मेला, विशाल पूरे जिले के पुलिस आती है। अच्छा, चलिए भक्तों से अनुरोध करेंगे कि वो जरूर आए, हम ही मिलेंगे आपको यहाँ जी जी, आपको आप पहचान लेना, हम आपको पहचान लेंगे जी। धन्यवाद।